गुड आफ्टरनून एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस मीटिंग डॉक्टर आकांक्षा मैम फॉर गिविंग अस सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. दिस इज स्वर्णिमा चतुर्वेदी फ्रॉम एमएट फोर्थ सेम. आई एम हियर विद माय ग्रुप मेंबर्स टू प्रेजेंट अवर टॉपिक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016. बिफोर जंपिंग डायरेक्ट टू द टॉपिक आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द कंटेंट वी विल कवर इन दिस टॉपिक. वी विल प्रेजेंट अवर टॉपिक अकॉर्डिंगली. Background of RPWD Act 2016 and introduction part will be covered by me, Swarnima Chaturvedi. Diseases covered in the Act will be described by Monica Yadav. Provisions and recommendations will be explained by Rukmini Singh. Educational implications and efforts done by government will be delivered by Sumbul Ahmed. And this topic will be concluded by Niranjay Singh. Now, coming to the topic, agar hum is Act ki prishthbhumi par dhyan dein, तो यह एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का ही संशोधित रूप है, जिसका कार्य निशक्त व्यक्तियों की समस्या जानने तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिलाने का था. पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में निशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई थी. यह एक्ट निशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान तथा देश की भागीदारी में उनकी वकालत करता है. 1 अक्टूबर 2007 को भारत सरकार ने UNCPRD जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निशक्त जनों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, उसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया. जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 इस दस्तावेजों की सभी शर्तों का पालन नहीं करता था, अतः नए कानून बनाने की आवश्यकता हुई. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है. 2010 में सुधा कॉल समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2011 में इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट बिल भी बनाया गया था, जिस पर कई वर्ष तक विचार विमर्श करने व इसमें आवश्यक बदलाव करने के बाद इसे 7 फरवरी 2014 को द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2014 के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया. दिसंबर 2016 में संसद द्वारा इसे मंजूरी भी मिल गई और इसके बाद यह बिल कानून बन गया, जो 19 अप्रैल 2007 को प्रभाव में आया तथा 15 जून 2007 को 2017 को लागू हुआ तथा 5 जनवरी 2018 को निशक्तता मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी हुए. अब अगर इस अधिनियम के उद्देश्यों की बात करें तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निशक्त व्यक्तियों को उनकी गरिमा, स्वतंत्रता तथा समाज में उनकी स्थिति को सुनिश्चित करने करके सशक्त बनाना है. समाज में निशक्त व्यक्तियों को अलग नजरिए से देखा जाता है, जो कि भेदभाव व सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देता है. इस एक्ट की सहायता से समाज व निशक्त व्यक्तियों के बीच के गैप को कम किया जा सकता है. इस एक्ट की सहायता से निशक्त व्यक्तियों तथा अन्य लोगों के बीच समानता व समता को प्राप्त किया जा सकता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं एवं बच्चों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके मानवाधिकारों की रक्षा भी होगी. नाउ आई विल लाइक टू इन्वाइट मोनिका यादव टू कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर. मोनिका यादव. थैंक यू स्वर्णिमा. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत आने वाली निशक्तताओं को जानने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि अधिनियम में इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके क्रम में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के सेक्शन 2S में निशक्त व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है. निशक्त व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लंबे समय से किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रसित हो तथा बाधाओं के कारण दूसरे अन्य लोगों के साथ समाज में सामान्य रूप से अपनी पूर्ण प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम ना हो. इसी के आधार पर सेक्शन 2C में बैरियर शब्द को डिफाइन किया गया है. बैरियर से तात्पर्य कोई भी कारक जैसे संचार, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरण, संस्थागत, राजनीतिक, मनोवृत्तिक, सामाजिक या संरचनात्मक कारक से है जो समाज में निशक्त व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित करता है. अगले क्रम में सेक्शन 2L के अंतर्गत निशक्त व्यक्तियों के लिए हाई सपोर्ट की बात की गई है. हाई सपोर्ट अर्थात उच्च समर्थन से तात्पर्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और ऐसे ही अन्य समर्थन से है जिसकी बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को अपने दैनिक गतिविधि करने के लिए आवश्यकता होती है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, परिवार एवं सामुदायिक जीवन तथा उपचार एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपने स्वतंत्र एवं सूचित निर्णय द्वारा अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके. इसके अंतर्गत बेंचमार्क डिसेबिलिटी को सेक्शन R में डिफाइन किया गया है. बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें कम से कम 40% निशक्तता हो. ये निशक्तताएं 7 थी जिसे अब बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं। इन्हें हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे.
नंबर एक है ब्लाइंडनेस, जिसमें दृष्टि का पूर्ण अभाव होता है, लो विजन। इसमें इसे पार्शियली साइटेड या आंशिक दृष्टि दोष भी कहा जाता है। लिप्रेसी क्योर्ड पर्सन, ये कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को लिप्रेसी कोड लिप्रेसी क्योर्ड पर्सन कहा जाता है। इसे हेंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसके अंतर्गत हाथ पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और ये दवा से ठीक नहीं हो सकता। हियरिंग इम्पेयर्ड, इसके अंतर्गत कम सुनने वाले लोग या पूर्ण हियरिंग इम्पेयर्ड भी आते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये बाय एक्सीडेंट या बाय बर्थ हो सकती है। इससे ये बोन्स जॉइंट्स और मसल्स को प्रभावित करती है। बौनापन, इसके अंतर्गत व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे कम हो तो उसे बौनापन की श्रेणी में रखा जाता है। बौद्धिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक कार्य एवं अनुकूलन व्यवहार में कमी हो जाती है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता, इसके तहत अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, मतिभ्रम, व्यसन या गुमसुम रहना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये किसी भी एज में हो सकता है, ये किसी भी एज में डायग्नोस किया जा सकता है, लेकिन इसके लक्षण जन्म के 2 साल में दिखने लगते हैं, तो इसे डेवलपमेंटल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इस डिसऑर्डर में बच्चों को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने तथा दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने में कठिनाई होती है तथा बातचीत करने में समस्या आती है। सेरेब्रल पाल्सी, इसका असर नर्वस सिस्टम पर होता है। ये जन्म के समय या जन्म से पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। यह डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग रहता है तथा इससे ग्रसित व्यक्ति को पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रेजेंट टाइम में इसका भी कोई इलाज नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों में कमजोरी तथा विकृति आ जाती है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यह जीर्ण तंत्रिका से संबंधित स्थिति है। इसमें स्ट्रोक और माइग्रेन जैसी लक्षण देखने को मिलते हैं। 11 फरवरी 2021 को ही अभी इसमें एक इलनेस ऐड की गई जिसे डिस्टोनिया के नाम से जाना जाता है। डिस्टोनिया से तात्पर्य ऐसी इलनेस से है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति लिख नहीं सकता। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन इस डिसेबिलिटीज के अंदर डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एवं अपेजिया शामिल है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें व्यक्ति के खुद का इम्यून सिस्टम इफेक्ट होने लगता है जिससे ब्रेन तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ये ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों को अफेक्ट करता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, भाषा और भाषा विकलांगता, इसमें व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है। थैलेसीमिया, यह एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये जेनेटिक और हेरिडिटरी होता है। इस डिसऑर्डर में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है जिससे व्यक्ति में एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। हीमोफीलिया, यह भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें खून का थक्का नहीं बनता। ये इनहेरिटेड और जेनेटिक होता है। प्रायः यह पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में ये डिसऑर्डर रेयरली ही देखने को मिलता है। सिकल सेल डिसीज, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर ही है। इसमें रेड ब्लड सेल्स कमजोर होने लगती हैं, खून की अत्यधिक कमी हो जाती है जिसके कारण शरीर के अंग या अवयव खराब हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसमें 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताओं को शामिल किया जाता है। ये डिसेबिलिटीज मोटर और सेंसरी दोनों नेचर की हो सकती हैं। एसिड अटैक विक्टिम्स, इसके अंतर्गत शरीर के अंग, हाथ, पैर, आंख आदि तेजाब के हमले की वजह से असामान्य या प्रभावित हो जाते हैं। नाउ एंड ऑफ दिस 21 नंबर, पार्किंसन डिजीज, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। इसमें हाथ पैर की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और ये समय के साथ बढ़ता ही जाता है और प्रेजेंट टाइम में इसका भी कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। इन सबको अंत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, नेपोलियन ने कहा था कि कानून इतना सारगर्भित होना चाहिए कि उसे कोर्ट की जेब में रखकर ले जाया जा सके और इतना सरल होना चाहिए कि किसान भी उसे समझ सके। इसी सरलता को समझने के लिए अब मैं रुक्मिणी सिंह को इनवाइट करना चाहूंगी। नाउ हैंड यू ओवर टू रुक्मिणी हु विल एक्सप्लेन द प्रोविजंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ दिस एक्ट। थैंक यू मोनिका। RPWD एक्ट 2016 के प्रोविजंस एंड रिकमेंडेशन। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 में दिव्यांग जनों के लिए नौकरी में आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। परिवहन के साधन अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप तथा विद्यालयों इत्यादि को अनुकूल बनाया जाए। इस कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति कभी भी किसी जगह सार्वजनिक स्थान पे जानबूझकर किसी दिव्यांग जन का मजाक उड़ाता है या वहां पर खड़े रहता है तो उस व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है। इस
कानून में प्रावधान है कि देश के प्रत्येक जिले में विशेष कोर्ट बनाया जाए और यह कोर्ट दिव्यांगजनों के अधिकारों के हनन के मामले की सुनवाई करे। भारत में बहुत से निःशक्त बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। RPWD एक्ट में 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के मुताबिक निःशक्तों की स्थानीय समस्याओं का हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर समितियां बनाएंगी। RPWD एक्ट 2016 के अध्याय 16 के अंतर्गत नए कानूनों के उल्लंघन के लिए प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 89 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने का कारावास या ₹10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर RPW एक्ट 2016 का दोबारा उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को 2 साल की सजा 50,000 से 5,00,000 का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के सेक्शन 92 में अपराधों की एक विस्तृत सूची दी गई है जिसमें दंड को 6 महीने से 5 साल तक और जुर्माना के साथ बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 12 के अंतर्गत निःशक्त जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय की स्थापना से बात की गई है। अब मैं सुम्बुल अहमद को इन्वाइट करना चाहूंगी। थैंक यू रुक्मिणी। Educational Implications of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 RPWD Act 2016 शैक्षिक निर्देश कुछ इस प्रकार है। RPWD Act 2016 के तीसरे अध्याय में निःशक्त जनों की शिक्षा की बात की गई है। इसमें अधिनियम 16 के तहत निःशक्त जनों को समावेशी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना तथा उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके स्वरोजगार की तरफ आकर्षित करने पर बल दिया गया है। RPWD एक्ट 2016 की धारा 17 के अंतर्गत सरकार निःशक्त जनों की समावेशी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी तथा उन्हें बढ़ावा देगी। RPWD एक्ट 2016 की धारा 32 के अनुसार सभी सरकारी उच्च शैक्षिक संस्थानों तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में कम से कम 5% सीट निःशक्त जनों के लिए आरक्षित की जाए। पहले जो यह आरक्षण केवल 3% था। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। निःशक्त जनों की शिक्षा को सुगम और सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सुगम भारत अभियान। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। दूसरा, सुगम पुस्तकालय। सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच सुगम पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी जहां दिव्यांगजनों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबंधित सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ा जा सकता है। UDID कार्ड। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान अर्थात UDID कार्ड की शुरुआत की गई थी जिससे न केवल दिव्यांग जनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ वह कई सारे अलग अलग प्रमाण पत्र साथ रखने की झंझट से भी छुटकारा पा सकते हैं। और अंत में स्वावलंबन योजना। दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 5,00,000 दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25,00,000 दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। Now I would like to invite Niranjay Singh to conclude the topic. धन्यवाद सुम्बुल। यदि RPWD 2016 के कंक्लूजन की बात करें तो दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है जिससे कि दिव्यांगजनों के बीमारियों से संबंधित उनका इलाज संभव हो सके और उनकी विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
रेलवे के सभी स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने के लिए पोर्टेबल सीढ़ी का प्रयोग में लाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें स्टेशन की सीढ़ियों व ट्रेनों में चढ़ने में आसानी हो। नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग दिव्यांग महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ साथ रोजगार का भी संज्ञान दिया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कदम है। यह उनकी जीविका में सहायता प्रदान करेगा। फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन किया जाए। सरकारी तंत्र तथा समाज के सभी लोगों को पीडब्ल्यूडी की जरूरतों तथा समानता के प्रति संवेदनशील बनना होगा, क्योंकि एक कानून पारित कर देने से सभी के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में समाज में जागरूकता की आवश्यकता है तथा इनमें उन लोगों की भूमिका बढ़ जाती है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। अतः यह अधिनियम हमारे कानून को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTRD के अनुरूप लाएगा, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। यह अधिनियम UNCTRD के संदर्भ में भारत की ओर से दायित्वों को पूरा करेगा। इसके अलावा नया कानून न केवल दिव्यांगजनों के अधिकारों और दावेदारी को बढ़ाएगा, बल्कि उनके सशक्तिकरण और समाज में एक संतोषजनक तरीके से सही समावेश सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र भी प्रदान करेगा। अब मैं स्वर्णिमा को वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। स्वर्णिमा। थैंक यू निरंजय। It is not possible to thank everyone for such an appreciating involvement and the willingness they have expressed to finish the task. Still, I would like to take a few moments to appreciate the efforts of our teammates and our department faculty. So, thank you to our respected head sir, our respected professors, and especially Dr. Akanksha ma'am for such a great initiative. My teammates, Monica, Mohini, Sumbul, Rukmini, Prabhat, Niranjay, Ishu, and Mahendra, thank you all for your great collaboration. And of course, our audience, thank you. Thank you so much for your patience and valuable time. Thank you, everyone.